गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ना अभी बस बज रहे हैं 9 और ना आज मैंने कुछ किया था। पापा आज वृंदावन गए हैं तो वो खाना पीना नहीं खा के गए। तो फिलहाल दिन में मैंने बनाए थे पराठे बच्चों के लिए, तो 4-5 पराठे रखे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। और मैंने ना कभी भी ना मलाई कोफ्ता जो प्रॉपर होता है ना, मैंने अरे बार बार ये बजे जा रहा है, प्रॉपर तरीके से ना कभी बनाया नहीं है। और मेरा मन भी था कि मैं कभी बना के एक बार ट्राई मारूं। तो फिलहाल आज आलू बॉयल करने रखे हैं मैंने उधर। आज मैंने ट्राई मारा है कि एक बार बना के देखती हूँ पहले, हाँ हम दोनों पे ट्राई मारते हैं, हम दोनों ही खाएंगे। तो हम लोगों पे ट्राई मारती हूँ कैसा बनेगा, अगर बेकार बनता तो फिर दोबारा चेंजिंग लाऊंगी कुछ। तो मैंने कभी बनाया नहीं है मलाई कोफ्ता, आज फिलहाल फर्स्ट टाइम ट्राई मार के देखूंगी कैसे बनेगा। और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके से आप देखना, जितना मेरे पास सामान है, मैंने कुछ ऐसा सामान प्रॉपर है भी नहीं, मसाले पता नहीं कहाँ रखे होंगे। तो देखना अगर कुछ गलती लगती है, अगर आप लोगों ने बनाया है ना तो कमेंट में ज़रूर बताना किस तरीके से बनाते हो, कैसे बनाते हो। फिलहाल मेरा तो फर्स्ट टाइम है तो देखते कैसा बनेगा। फिलहाल चलो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लिप दिखा दूंगी मैं क्या कैसे बना रही हूँ, कुछ गलती हो तो मुझे बता देना। चलो तो बस मैंने इसमें घी ले लिए, टमाटर है इन्हें कट कर लेते, उसके बाद आप लोगों को दिखाते। बस टमाटर वगैरह मैंने कट कर लेते, कढ़ाई चढ़ाई है। और ये तरीके से ना मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, मुझे बनाना इतना मतलब मैंने कभी बनाया ही नहीं है, तो बनाना आता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम था। तो चलिए बस घी डाला है, घी डाल के टमाटर बोल रहे हो, इसमें काजू डाले हैं। और जो खड़े मसाले थे मेरे पास, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग और छोटी इलायची थी, बस इतने मसाले थे मेरे पास। और दालचीनी, तो ये सारे मैंने डाले, इसमें काजू डाले, टमाटर डाले और बस इन्हें गलने तक छोड़ दिया। इसमें थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, पानी डाल के ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था मैंने। तो इस तरीके से मैंने बनाया था ना, तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी थी। खाली इसमें नमक डाला था और बाकी के मसाले भी डाले थे मैंने, हल्दी, धनिया और क्या कहते हैं लाल मिर्च, बस इतना मसाला डाल के मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो क्या कहते हैं इस मतलब पैसे मैं डायरेक्ट पीस के बनाती थी, लेकिन इस तरीके से मैंने काफ़ी बार देखा था यूट्यूब पे, तो फर्स्ट टाइम ट्राई मारा था। इधर मैंने आलू जब तक छील लिए थे और गैस पे चावल बन रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला था थोड़े से चावल बना लेना, परांठे रखे थे 3-4, तो बस चावल बना लेते, इसके साथ चावल बताते बहुत अच्छे लगते। मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई मारे थे पर अच्छे लग रहे थे, ठीक थे। लेकिन मुझे लगता है नान वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते, फिर आलू को बहुत गर्म थे, हाथ भी जल रहे थे, तो बस मैंने इन्हें अच्छे से पूरे मैश कर लेते। फिर पनीर मैश कर लिया था घिया कर से, क्योंकि कहने से ना लम्स नहीं पड़ते बिल्कुल भी। और मेरे से ना बस एक गड़बड़ हुई इस टाइम पे कि कॉर्नफ्लोर मुझे थोड़ा ज़्यादा डालना था। कुछ लोग मैदा डालते हैं, कॉर्नफ्लोर डालते हैं, मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था, मैदा भी डाल सकते हो, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी ज़्यादा डालनी थी, मैंने कम डाले क्योंकि मुझे लगा कहीं टाइट ना हो जाए। वह ये बताते कि सॉफ्ट होने चाहिए थे, तो बस इस वजह से मैंने यही करा। तो कौन और इस समय ना मैंने इसमें नमक डाला था, नमक हो गया था थोड़ा ज़्यादा और मैंने ही लगा के रख दिया था। उस समय में मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं था, मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैदा रखी थी, मैंने कहा मैदा डाल दूँगी। फिर जब पति देव आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ले आता, फिर वो लेने चले गए, इसलिए मैंने उसे साइड में रख दिया। और बस वो जो पेस्ट था बना के तैयार कर लिया था, पीस लिया था, ठंडा हो गया था वैसे। और इसमें क्या कहते हैं इसे छान लिया था, क्योंकि इसमें ना थोड़े बहुत लम्स रह जाते थे, बिल्कुल अच्छे से छलने होते ना बड़े वाले, उसमें छान लिया था मैंने, तो उसकी प्योरी बन के तैयार हुई थी। तो बस फिर इसमें घी, आप बटर भी डाल सकते हो, तो फिर मैंने घी डाला था, घी और बटर में कोई अंतर नहीं है, तो मैंने घी डाल लिया था। तेल में भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ना, अगली बार से तेल में भी बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ घी गर्म होते ही प्योरी डाली, इसे अच्छे से मैंने चलाया था। तो बस इसे अच्छे से चलाने के बाद ना क्रीम आप डाल सकते हो, फ्रेश क्रीम। तो मेरे पास मलाई के ऊपर कह रही हूँ सॉरी, दूध के ऊपर जो मलाई थी ना वो अच्छे से निकाल के मैंने वही डाल दी थी, और थोड़ा सा दूध डाल दिया था, और बस थोड़ा सा अंदाजा नहीं था। और जल्दी लेक तो थक इतने गए थे ना, पूरी किचन जो आप लास्ट में देखोगे किचन इतनी फैल गई थी, पूछो मत। मैंने कैसे बाद में करेंगे, तो बस इसे बॉयल होने देते हैं। फिर जब तक मैं कॉर्नफ्लोर ले आए थे, तो बस मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला, अच्छे से इसे मैश किया। फिर इसके ना बॉल्स बनाने थे, तो मुझे ना मतलब मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था, उसने बनाए हैं, तो उसने मुझे बताया था, उसी से मैंने थोड़ी बहुत रेसिपी पूछी थी। उसने बताया था कि इसमें ना कुछ किशमिश या काजू लगा लेना, लेकिन मुझे लगता है मुझे वो लगाना नहीं चाहिए था, उसकी वजह से मुझे लग रहा और ज़्यादा फट रहे थे, जो जिसमें मैंने नहीं लगाई थी ना किशमिश, तो वो सही हो रहे थे। तो आगे से दोबारा ट्राई मारूंगी। तो बस ऐसे मैंने बॉल्स बना के तैयार करने थी, छोटे छोटे, आप कोई भी शेप दे सकते हो इसमें। तो बस मैंने गोली रखी थी, और
और इसमें ना एक गलती और हुई थी, इसे धीमी आँच पे सेक रहे थे, मैंने तेज आँच पे सेक लिए थे, वो बाहर से तो अच्छे सिक गए थे, अंदर से थोड़े मुझे कच्चे से लगे थे। आप लोग कैसे बनाते हैं बताना, अगर आप किसी ने बनाए हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि कैसे बनते हैं। बस मैंने बॉस डाल दी थी और मैं पहला स्लॉट में तो बस आधे फटे थे, आधे ऐसे ही हो गए थे, दूसरे स्लॉट में बहुत अच्छे बने थे। तो भी आप आगे आगे देखना। तो चलिए बस इसे ना पहले मैं करछी से करी थी, आराम आराम से करा था कहीं ये हो ना जाए। और ना और एक चीज़ मैंने और गलती कर दी थी इसमें कि पहले वाले में ना कॉर्नफ्लोर हल्का हल्का लगाया था, मैंने कहा कहीं अजीब सा ना लगे, लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा सा लगाना था। तो इस बार में इसका ना जो ऊपर ऊपर की पापड़ियाँ लग हो गई थी और अंदर का सारा निकल आया था, क्या ही हो गया था इसका, छुटक छुटक सारा कर रहा था। बस अभी से हम निकाले, देखो आप साइड में देख रहे होंगे निकल के ना ऐसे आ रहा था। तो पहले तो मुझे लगा मेरे बनेंगे नहीं आज, तो मेरे ख़राब हो गए, बस पूछो मत। फिर मैंने दूसरे स्लॉट में क्या करा, ज़्यादा सा कॉर्नफ्लोर लगा दिया था, ये देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा, सारे निकल पड़े थे। तो बस अभी आप दूसरा स्लॉट देखना मेरा कैसा, देखो इसके सारे बॉल्स ख़राब हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्लॉट देखोगे उसमें काफ़ी अच्छे थे, तो उसमें मैंने ऐसे ही किया था कि ज़्यादा ज़्यादा मतलब कॉर्नफ्लोर मिला कर लगाए थे, तो इसके बहुत अच्छे निकलेंगे अभी आप देखना। ये देखिए इसके ना सच में बहुत परफेक्ट सीखे थे, अच्छे सीखे थे, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर ज़्यादा मिलाया था और इसमें मैंने किशमिश भी नहीं लगाई थी। तो शायद मुझे लग रहा है आपकी बार में किशमिश वगैरह नहीं हो सकता, काजू लगाऊंगी लेकिन किशमिश नहीं, किशमिश हो सकता फूलने की वजह से, पता नहीं क्या है। तो ये देखिए कुछ बिगड़े हुए कुछ अच्छे, तो बस इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। पहले मुझे लगा इसी में डालते हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड ने बताया कि इसमें डालते हैं अलग से, इसको इसमें लगाते हैं। तो मैंने चार बॉल्स जो बढ़िया बढ़िया है वो रखते थे पति के में, मैंने कहा फिर कहेंगे बेकार से लग रहे हैं। तो बस इसमें ग्रेवी, इसकी ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनी थी। तो ये थाली बनके तैयार है मेरी आज की, आप लोग बताना कैसी है मेरी। तो बस ग्रेवी ठीक थी, पकोड़े का मैं कुछ कह नहीं सकती, ज़्यादा खास तो थे नहीं, ठीक ठाक थे। तो चले बस ये मेरी थाली तैयार है, पराठे चावल, बस ये आज का मेरा खाना हो गया तैयार। अब पतिदेव का रिव्यू देखते हैं, बैठना। अब बस पतिदेव का रिव्यू देखते हैं कैसे बने ये कोफ्ते, फर्स्ट टाइम बनाए हैं। जैसे ही बने ना सच बताना, मतलब बने सही कि नहीं सच बताना। कोफ्ता काट के देखना कैसा है, कोफ्ता ना कुछ फटे हैं, पता क्या कॉर्नफ्लोर कम रह गया उसमें ऊपर से, दूसरे बार में मैंने कॉर्नफ्लोर ज्यादा करा ना लिपेड़ा, तो अच्छे बने, खा के देखना कोफ्ता सॉफ्ट हुए, खा के देखो कैसे बने। पहली बार बनाया, बेकार भी बने हुए तो बने, अच्छे बने हैं। और कोफ्ते अंदर के मुझे लिखाओ, मेरे भी रखे मुझे भी खाने हैं, अच्छे बने पक्का पास हो गई। चलिए तो बस इतनी मेहनत के बाद किचन पहली पड़ी है, उसे बाद में समेटूंगी। तो क्या कहते हैं अभी ना ये खा रहे हैं ना, अच्छे लगे, मैंने नहीं खाया, देखते कैसे है, अभी खा के फिर आपको रिव्यू देते हो। फर्स्ट टाइम बनाए हैं तो अगर ये अच्छे लगे ना, इन्हीं का होता है कि ना अच्छे लगे तो सबको अच्छे लगे ना, ये कह रहे कि अच्छे लग रहे, ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लग रही। तो चलो मैं खा के फिर बताती हूँ। तो इसकी ना ग्रेवी बहुत अच्छी है और पकौड़े तो बिल्कुल सॉफ्ट ही होते हैं इसके जो होते हैं, तो दोनों चीज़ ठीक लग रही है, लेकिन पराठे ठंडे ना तो मज़ा नहीं आ रहा, उसके साथ नान होती है रोटी होती तो अच्छा लगता। तो चलो बस मैंने अच्छे पास हो गई, अगली बार और अच्छे से करूँगी। बनाते बनाते ना एक आइडिया हो जाता, पहले बार में क्या था कॉर्नफ्लोर कम लपेड़ा था मैंने, तो इसलिए ना फट रहे थे वो, एकदम से अंदर से सब कुछ निकल पड़ा उसका, लेकिन फिर दूसरी बार के ना अच्छे बने थे, तो फिर एक आइडिया हो गया तो अगली बार अच्छे बनाऊंगी मैं, और अच्छे ग्रेवी अच्छी बनी वो भी अच्छी बनाई, लेकिन अगली बार और अच्छे तरीके से बनाऊंगी। चलो और बस ये देखिए किचन का फैला रहा, क्या हाल हुआ है इसका पूछो मत। अब ये सारा समेटती हूँ ना फिर आप लोगों से मिल। किचन हो गई क्लीन, उधर क्या कहते हैं रोटी का टिपन रखा है, और बस कुकर में थोड़े से चावल बच गए थे, कढ़ाई में अभी तेल है तो अभी गर्म है, तो बाद में करूँगी बाकी का सब कुछ, ये कढ़ाई है तो वो बाद में रखी जाएगी। उधर ना सॉरी सुमंत के ना चीज़ में कुछ निकली थी, बॉल्स थी जो बड़े हो जाते हैं वो उसमें डाल के रखे, वो भी एक टॉय है पता नहीं क्या है, बड़ा हो जाता है, बाकी का सारा एक टिपन रह गया उसे बाद में करूँगी मैं। चलो किचन में चलूँगी, अब देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। अनार छीले जा रहे हैं यहाँ पे,
अभी अनार खाएंगे। मंगाए थे लाला ने, लेकिन लाला यहाँ पे है ही नहीं। लाला चला गया नाने के। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। तुमने वाले अनार देखे हैं जो बिल्कुल इंजन में खून ही नहीं होता है? व्हाइट वाले अनार देखे? चलिए तो बस काम वगैरह सारा फ्री हो गया है और कल है संडे, तो आज को वही वेब सीरीज वगैरह देखी जाएगी। और देखो खा, छीलते छीलते हम आधे से ज्यादा तो खा ही रहे हैं। तुम कह रहे थे कि छीलोगे खाओगे, अभी क्या बोलो, मेरी लड़खड़ा रही है जीव। मैं यूं कह रही, छीलते छीलते खा के पहले छीलो फिर खा ले, लगे पड़े तो बहुत टाइम बर्बाद हो। मजा आता है क्या लाला की तरह? लाला मटर छीलता है, आधे से ज्यादा खा जाता है। लाला को अगर मटर छीलने को दे दे वो खुद ही ले लेता, फिर आधे से ज्यादा ना वो खा ही लेता मटर। तो बस अभी का यही अपडेट है। और मैंने खून निकल गया हाथ में एकदम से, वो लग गया कांच ऊपर से होते ना कॉफी के डिब्बे, एकदम गिरी वो हाथ पे गिरी एकदम। तो मम्मा बस ये मम्मा दिख रहा होगा ये यहाँ पे, तो चलो बस अब। मम्मा हाँ भाई, मम्मी इसका ना अपना लेफ्ट राइट मम्मा लेफ्ट मम्मा राइट लगी पड़ी है। सुनो इसको ना, ना एक और बल्ब लगाओ, लाइट कम रहती है ना। मम्मा सुनो, मैंने कौन? बाबा डोना चल मैंने बोल पापा डो मना लिया टीटर डाइट चले। कल डाइट? पापा को डाइट की क्या जरूरत है? नहीं डाइट तू डाइट तो सुनो, हमको डाइट जरूरत ले है। पतले हो रहे हो, थोड़े मोटे डोले क्यों नहीं खा डाइट? लो, छोले डोले छोले होने चाहिए। हाँ डोले सोले, तो तेरे भी तो डोले सोने होने चाहिए, तेरे तो आई नहीं डोले सोले। पापा छोला मैं भी दूंगी। अच्छा तो डोले सोले कैसे? आइसक्रीम से बनते हैं। आज आइसक्रीम खाई थी? अरे नहीं आज आइसक्रीम खाई थी? अरे आले आले आले, अब क्यों कर रही है आले? खाई थी या नहीं खाई थी? कल से डाइट स्टार्ट करेगी तो कल से खाना खाओगी। और ये लड़की खाना बिल्कुल नहीं खाती है, हंस के नहीं दिखा, नहीं खाती ना, बेइज्जती बिजती। और ये खाना नहीं खाती, खाने के लिए बड़े नखरे देती है। जो इसने जो बनाए थे हमने मलाई कोफ्ता, कौन से कोफ्ता खा जाता है, तो क्या कहते हैं वो, इसने बिल्कुल भी चखा नहीं है। और तीन चार बच गए थे जो हल्के हल्के फटे हैं, ज्यादा नहीं हल्के हल्के, तो वो रख दिए हैं। मुझे ना इसमें सिर्फ एक कमी लगी, जहां तक मुझे लगा, आगे पता नहीं, कि मुझे थोड़ी धीमी आंच पे और पकाने थे, जो जो भी बोलते हैं ना कोफ्तों को, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट थे लेकिन आलू जैसा टेस्ट आ रहा था। आलू थे, मुझे लग रहा है या तो आलू कम होते हैं, पनीर ज्यादा होता है, जो भी होता है। अब जैसे बन गए, मम्मा बन गए। पति देव को ना मम्मा ग्रेवी बहुत अच्छी लगी, ये कह मम्मा रहे, कह रहे ग्रेवी सबसे ज्यादा अच्छी थी। तो चलो पास हो गई, कह रहे थे रेस्टोरेंट जैसे तो लग रही है। मम्मा चलिए बस मॉर्निंग के बज गए हैं 8 और हमारा चाय नाश्ता वगैरह सब हो गया, बस थोड़े से घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो चले बस क्लीनिंग कर लेते, उसके बाद मिलते। चलिए हो गए हैं, अभी 8 बज गए हैं और ना जस्ट अभी हम यहाँ बैठे हैं। पहले हम गए थे, मतलब दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था, बनाए थे दाल चावल रोटी और वो खा लेता, और फिर दिन में ही भागवत वगैरह सुन रहे थे अपना, बाहर वही फॉर्मेट में लगे थे और बाबा बैठे थे। और फिर शाम को ये हम लोग गए थे मतलब पास तक गोलगप्पे खाने, लेकिन गोलगप्पे वाला जिसके हम खाते हैं ना वो था ही नहीं, तो फिर हमने खाए थे कि बर्गर। और ये बैठा भी अनार छिल्ले, वही अपने काम में लग गए हैं। दृष्टि को खाने अनार, और दृष्टि लगी काय में, फोन में, फोन में ही लगी रहती है हर समय, है ना। संडे संडे के लिए तो मनाया जाता है। अच्छा संडे फोन के लिए मनाया जाता है। अब दृष्टि आ जाएगी फर्स्ट क्लास में, है ना, पढ़ती होने का। चलिए अनार छील रहे दृष्टि के लिए, और लाला है नहीं, लाला गया नाने का। तो चलो बस अभी का अपडेट यही हो, खाना पीना बर्गर खा लेते, पेट भरा खाना पीना तो बनेगा नहीं। खाओगे खाना? दूध पियो, खा ले दूध, रखा दूध पी लेंगे, तो खाना पीना कुछ नहीं खा रहे। चलो बस अभी का यही अपडेट।